पीलीभीत से खबरें आ रही है, जहां पर शारदा नदी रौद्र रूप में आ गई है। रौद्र रूप कैसा है वो भी हम आपको दिखा देंगे। बड़ी खबर अभी आपके लिए, शारदा नदी रौद्र रूप में, ठीक इस तरफ जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इस तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये शारदा नदी की तस्वीरें हैं, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से यहाँ पर रौद्र रूप में है। यहाँ पर 20 गांवों का संपर्क कट गया है, किसानों को भारी नुकसान, फसलें तबाह हो गई। शारदा नदी ने अपने पाट जो किनारे हैं उन्हें तोड़ दिया है और वो अब तेजी के साथ बहती चली जा रही है। यही जो किनारे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर जो गांव है, करीब 20 गांव है जिनका मुख्यालय से संपर्क कट गया है, और मुख्यालय से संपर्क कटने की स्थिति में जरूरी चीजें नहीं मिल पाती, जानकारी नहीं हो पाती कि आखिर हालात क्या हैं। मेरे ठीक पीछे आप शारदा नदी की हालत देख रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक का हमने पूरा सफर तय किया, हालात दोनों जगह कमोबेश एक ही है, तो मौसम की मार बराबर तरीके से है। इसे मार कहना गलत होगा क्योंकि मानसून तो अपने समय तय वक्त के हिसाब से ही आ रहा है। अगर देर हो जाती तो शायद देरी के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई होती, लेकिन अब मानसून आया है तो मानसून बरस रहा है और कुछ दिन तक मानसून इसी तरीके से रहने वाला है। लिहाजा हम लोगों को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। पानी ऐसे ही आएगा तेज़ी के साथ, क्योंकि बारिश होगी तो कैचमेंट एरिया जितने हैं जहाँ इकट्ठा किया जाता है वहाँ पर रोकना मुश्किल होगा। लिहाजा वो पानी या तो ओवरफ्लो होकर निकलेगा या उसे छोड़ा जाएगा, तो उससे हालात दुरूज दुष्कर हो सकते हैं। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को ही देखते रहिए कि क्या हालत हो गई है यहाँ पर, कि ऊपर से ये रेलवे का ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर से लोग जा रहे हैं, यानी इसके नीचे की सारी मिट्टी बह गई है, जितना पानी का यहाँ पर दबाव और प्रेशर इस वक्त आ रहा है। तो रेल ट्रैक यहाँ पर रुक गया है, अब यहाँ आवागमन नहीं हो सकता, इसको बनाने के लिए समय लगेगा। उम्मीद ये यहाँ पर हो सकती है कि शायद एक महीने तक का समय ना लग जाए, जो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि पानी रुकेगा तब यहाँ पर चीज़ें ठीक की जा सकेगी। ये दो तस्वीरें अब हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक तरफ शारदा नदी उफान पर है, दूसरी तरफ सड़क भी टूट गई है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में हालात काबू से बाहर है। दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये पीलीभीत में है जहाँ पर शारदा नदी का पानी तटबंधों को, रोड को काटता जा रहा है। रेल नेटवर्क जो है वो भी बाधित हो गया है, क्योंकि नीचे से पटरी के नीचे से सारी मिट्टी निकल चुकी है, पटरी के साथ स्लीपर लगे हुए हवा में लटके रह गए हैं, और इसके चलते अब आवागमन पूरी तरीके से अब ठप मानिए। लोग इस रेलवे पुल के ज़रिए ही पैदल पार कर रहे हैं जगह और इस खतरनाक रास्ते को। तो आप स्थिति देख रहे थे उत्तर प्रदेश पीलीभीत की, हम दिखा रहे थे। कुछ देर पहले हमने आपको महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखाई जहां मुंबई में भी हालात खराब हैं, रायगढ़ में भी हालात खराब हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर 20 जिलों में अलर्ट हालांकि मौसम विभाग ने जारी किया है, और इस सब को लेकर जो हालात उत्तर प्रदेश में हैं, हमारे सहयोगी विभव शर्मा ने हालात का जायजा लिया, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। मानसून की शुरुआत होते ही पीलीभीत में पहली बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ तो बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, वहीं शारदा नदी से छोड़े गए पानी की वजह से कई ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि जो बारिश हुई है उसमें जो प्रशासन है उसकी भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सरकार द्वारा किए गए विकास की पोल खोलती है बारिश, लोगों के घरों में पानी पहुंच चुका है, दो दो फीट तक लोगों के घरों में पानी है, और जो नाला सफाई का काम किया जाता है जिस वजह से ड्रेनेज सिस्टम लगातार ठीक रहे, किसी तरीके की दिक्कत ना हो, वो कागजों में होता रहा, यही वजह है कि लोगों के घरों में पानी पहुंचा है। और दूसरी तरफ शारदा नदी का भी तांडव देखने को मिल रहा है, बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से जो खटीमा से पीलीभीत का रेल मार्ग है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुका है,
और पीलीभीत से लखीमपुर का रेल मार्ग तो अवरुद्ध हुआ ही है, साथ में कई पुलिया बह जाने की वजह से रोडे भी लोगों का जो आवागमन का साधन था वो भी कट चुका है। तेज बारिश में लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, फसलें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। ये तो चल रही दैवी आपदा, लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए, जो घरों में लोगों के पानी घुस रहा है, एक एक दो दो फीट तक लोगों के घरों में पानी है, इसकी मुख्य वजह है कि जो काम हो रहे हैं, नाला सफाई का काम आए, इस तरीके के जितने भी काम है पालिका से संबंधित, वो केवल हवा हवाई साबित हो रहे हैं, कागजों में वो काम किए गए थे। यही वजह है कि लोगों की गाड़ियां डूब रही हैं, घरों के कीमती सामान खराब हो रहे हैं। बारिश रुकने का इंतजार किया जा रहा है कि बारिश जब रुकेगी उसके बाद में जो लोगों के घरों से पानी है वो कैसे निकाला जाएगा। ये सब चीज़ें बड़ी हैं जो देखने वाली बात होंगी। पीलीभीत से इंडिया न्यूज़ के लिए विभव शर्मा।